हेलो दोस्तों, अगर आप आरआरबी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, आरआरबी ग्रुप डी, तो गाइज़ उसके लिए हाल ही में अभी आरआरबी की एनटीपीसी की जो लगभग 135 सेटों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, उनकी आंसर की अपलोड हो गई है, अर्थात इनकी एक कंपाइल फाइल अपलोड हो गई है, जिसमें हमारे सभी सेप्टों में पूछे गए क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया है। ये क्वेश्चन क्रमशः मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस तथा साइंस और करंट अफेयर्स में जो भी हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उनकी कंपाइल फाइल को अपलोड कर दिया गया है। मतलब ये हमारे 135 सेप्टों में पूछे गए समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि अभी हाल ही में 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। गाइज़, आपको बता दें कि यह वीडियो जो हमारी यह पीडीएफ रहेगी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आरआरबी के आगामी सीबीटी 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एनटीपीसी के लिए कंडक्ट होगा, तो उनके लिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि वही कंपनी वही बोर्ड ही एग्ज़ाम ग्रुप डी का कराएगा, तो क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का रिपीटेशन लगभग उसी उन्हीं क्वेश्चन से होगा। साथ ही साथ अगर आप अगर मध्य प्रदेश पीईबी स्लैश व्यापम के एमपी कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि यही एजेंसी हमारे व्यापम की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यही एजेंसी जो रेलवे की एजेंसी है, वही हमारे व्यापम के एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है, तो हो सकता है या होगा ही इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आगामी एग्ज़ाम जो कि ग्रुप डी है, उसमें इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न सेम का सेम रहेगा। तो गाइस, अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इनको हम कैसे डाउनलोड करें। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं examstock.com की इस साइट पर आप जाकर यहाँ दो फेस में इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेक्शन वाइज पार्ट ए और पार्ट बी डला हुआ है। इसमें हिंदी का आप देख सकते हैं 107 एमबी का पार्ट फर्स्ट का है, जिसमें लगभग 60 सेप्टों के एग्ज़ाम है, और नेक्स्ट सेप्ट में 70 सेप्टों की 75 सेप्टों के एग्ज़ाम है, तो लगभग 164 एमबी का है। तो आप इन पार्ट वन और पार्ट टू को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप देख लीजिए, इस फर्स्ट पेज पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, www.examstock.com की ऑफिशियल साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इससे भी डाउनलोड नहीं करना चाहें, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं, जो क्रमशः पार्ट वन पार्ट टू की हिंदी व इंग्लिश से संबंधित होगी। तो आप डायरेक्ट उन लिंक पर जंप करके, जैसे ही उन पर क्लिक करेंगे, तो गूगल ड्राइव में एक लगभग 100 MB या 107 MB तथा 165 MB की दो PDF ओपन होगी, आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।